बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली मेज़ न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे थाने हाल की, जहां गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर नवाज शराजी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर टास्क फोर्स और एडवाइजरी सब कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें उन्हें महकमा ज़राअत लाइफ स्टॉक की कारकर्दगी के बारे आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर 40 जारी अदवायात खाते बीज फरोख्त करने वाले खिलाफ कार्रवाइयों में पुरअदम एतमान का इजहार करते हुए ज़रात अफसरान को माफिया के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने हदायत की कि गंदम कमात समेत देकर फसलों की पैदावार में इजाफा के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए और काश्तकारों की जदीद तरीका काश्तकारी बारे भी रहनुमाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम शोबा ज़रात में इनकलाब बर्पा कर सकता है, ज़रात से ज़्यादा काश्तकारों को ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बारे आगाह किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक मुदर सेहत को शुरू करने वालों की गेट घेरा तंग करें, स्लाटर हाउसेस की मॉनिटरिंग सख्त की जाए और वेटरनरी डॉक्टर्स दूर दराज इलाकों में जाकर मवेशियों की वैक्सीनेशन करें। इजलास में ADCG मोहम्मद अख्तर मंडेरा, चारों तहसीलों सिस्टम कमिश्नर्स, ज़रात और देकर मुतलका महकमों के अफसरान और काश्तकारों के नुमाइंदगान, खाद पेस्टिसाइड्स के डीलर्स ने शिरकत की।